हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका। ट्रैवल विद एक्स वाई चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वागत करती हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ओलिविया होटल में, जो कि बिल्कुल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट IGI दिल्ली के एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। तो अगर आपकी जो फ़्लाइट है अर्ली इन द मॉर्निंग है, या आप कहीं बाहर दिल्ली किसी बाहर से आए हो या दिल्ली से हो, तो ये जो होटल है ओलिविया, ये करने से आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच पाओगे और टाइम से अपनी फ़्लाइट कैच कर पाओगे। तो आइए चलिए पूछते हैं। तो सर, इस होटल का प्राइस क्या है? 2000 नॉर्मली आता है। अच्छा, इन एनी डे सीजनल ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, कभी कभी 1200-1300 भी हो जाता है? अच्छा अच्छा, ओके। तो सर, मैं रूम को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, कैन आई सी? तो चलो चलते हैं जी। तो यहाँ पे लिफ्ट भी है, सीढ़ियाँ चढ़ना आजकल सबको मुश्किल हो गया है। तो ओलिविया होटल का सबसे नियरेस्ट मेट्रो, एकदम पास में जो मेट्रो पड़ता है, वो है एरो सिटी। और एरो सिटी का जस्ट नेक्स्ट स्टेशन ही है IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से आप जैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट दोनों कैच कर सकते हैं। तो रिसेप्शन एरिया में सोफ़ा, टीवी वगैरह सब लगा हुआ था। अब बैठ के यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो आराम से। तो आइए चलते हैं रूम में। होटल 5 फ्लोर है। सी द व्यू ऑफ दिस होटल, कम्प्लीटली फर्निश्ड, वेल, नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी एज यू कैन सी। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैं यहाँ पे रही थी एक दिन और वापस चाहूँगी कि यहाँ आऊँ। और ये जो डल्ला का गद्दा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो, एकदम मस्त गद्दा है। आराम से यहाँ पे आओ, रेस्ट करो, बहुत ही मस्त मज़ेदार है। और जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना लैपटॉप पर काम कर सकते हो। नीट एंड क्लीन ऑल द टाइल्स एवरीवेयर, यू विल फाइंड फैंटास्टिक एनवायरनमेंट। सीधा वॉल, मतलब ऐसा लगेगा आपको जैसे कि 5-स्टार होटल में आ गए हैं। It is definitely Windows. Like 5-star hotel. See the view, यहाँ पे आप view देख सकते हो। रोशनी है, खिड़की है, किसी किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो विंडो खोल के यहाँ से फ्रेश एयर भी ले सकते हो। Everything is well furnished, totally पूरा फर्नीचर वगैरह बहुत ही अच्छा है। डेवलप पर गद्दा है, आओ और ऐसे और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है और मैं यहाँ पे रही हूँ और एक दिन रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। तो वापस चाहती हूँ कि यहाँ दोबारा आऊँ। दिस इज अलमीरा, यू कैन सी हियर। एनी आइटम्स, और एसी है, स्प्लिट एसी लगा हुआ है, सारी फैसिलिटी है। टीवी है यहाँ पे, आप चेयर लगी हुई, अपना वर्क वगैरह कर सकते हो। एवरीथिंग इज फाइन एंड बेस्ट। टोटल यहाँ पे 30 रूम्स है। तो ये देखिए, यहाँ का व्यू भी पूरा लाइटिंग ऊपर से बहुत ही अच्छा है। थोड़ी कोई कोई रूम बड़े हैं, कोई कोई छोटे हैं। बाहर का भी व्यू बहुत ही अच्छा है। आई लाइक दिस, ऑल द रूम्स आर वेरी ब्यूटीफुल। एक ही रूम ऐसा नहीं है कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। टॉवल्स, ये सारी चीज़ें, साबुन वगैरह सब कुछ यहाँ पे फ्री। दिस इज़ इट। और मेन्यू भी है, खाना भी अगर चाहती हो कि आप यहाँ पे खाना खाए, तो मैंने यहाँ का मेन्यू देखा है। एट मिनिमम प्राइस में आपको यहाँ पे अच्छे से, बाहर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप ऑर्डर करके यहीं पे खाना मंगवा सकते हो। दिस इज़ द मेन्यू ऑफ दिस होटल एट मिनिमम प्राइस। सब कुछ है, जूस है, रोटी है, चापाती है, ईच एंड एवरीथिंग इज हियर। लस्सी वगैरह सब कुछ है। यू कैन सी दिस रेट्स ऑल्सो।
24 आवर्स अवेलेबल है, कभी भी आप खाना मंगवा सकते हो। दिस इज इट, वेरी सुपर एक्सीलेंट होटल। सो गाइज, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम एनी अदर प्लेसेस, आई विल सजेस्ट यू टू बुक दिस होटल बिकॉज आई स्टे हियर, आई एम टोटली सेटिस्फाइड एंड द स्टाफ्स आर वेरी गुड, वेरी पोलाइट। मतलब उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जो बात करते हैं बहुत ही अच्छी लगी, उनका व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा लगा। होटल नेम एंड दिस होटल नेम इज एस आई सेड यू बिफोर बिफोर ओलिविया होटल। इस होटल का नाम है ओलिविया और महापल्लीपुर में है, महिपालपुर में, सॉरी। तो दोस्तों, इस होटल का नाम है ओलिविया और ये है महिपालपुर एरिया में, जो कि दिल्ली में है। तो आइए, और पूरा इस होटल का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस लिंक को खोल के भी आप बुक कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट नंबर दे दूंगी तो उस वैसे भी बुक कर सकते। सो हम सही टाइम पर दिल्ली के टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, होटल बिल्कुल नियर बाई थी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो हम जा रहे हैं हम दिल्ली टू पुणे, और उसके बाद हमारी जो ट्रिप होगी वो होगी महाबलेश्वरम के। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो महाबलेश्वरम। तो ये है एक छोटी सी क्लिप महाबलेश्वरम की, जो कि आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि महाबलेश्वरम में क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या स्पॉट्स है देखने के लिए, और कौन से महीने में हम गए थे, कहाँ से हमने कार बुक करी, सारा रास्ता कहाँ से कहाँ है दिल्ली से जाने के लिए, क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको इस होटल के फ़ोन नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ पे विजिटिंग कार्ड भी डाला है, और दिस आर सम ऑफ माय ब्यूटीफुल पिक्स ऑफ दिस होटल विच इज़ क्लिक बाय माय सेल्फ, और कुछ वहाँ से उन्होंने दी थी होटल वालों ने। तो होटल बहुत ही अच्छी थी और बहुत फैसिलिटी अच्छी थी, और जो फर्नीचर था बहुत ही अच्छा था, ईच एंड एवरी थिंग वॉज beautiful and well settled and all the staffs were very polite, good, सब कुछ अच्छा था। तो दोस्तों, मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप IGI दिल्ली एयरपोर्ट में अगर आपकी फ़्लाइट बुक है तो आप इस होटल को ज़रूर बुक कर सकते हो, और आप टाइम पे अपनी फ़्लाइट को कैच कर सकते हो और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो। तो दिस इज़ इट, एंड दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मैं अपने लड्डू कुमार को भी लेके गई थी महाबलेश्वरम में। तो एक बार फिर से हम आपको इस प्यारी सी सीट सी होटल का हम आपको व्यू दिखाते हैं लाइटिंग के साथ में, और बहुत ही अच्छी होटल थी, बहुत ही यादगार थी यहाँ पर जो हमने डे स्पेंड किया था विथ माई फ्रेंड, इट वॉज़ वन ऑफ माई मोस्ट 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 लवेबल मोमेंट। और महाबलेश्वरम का तो कहना ही क्या, ऑसम, नाइस प्लेस। तो सब मिलके बोलो हर हर महादेव।